हजरत शेखे बाजीद रहमत लिखा है कि हजरत ना अपने मुरीदों के साथ नमाज पढ़ने जा रहे थे तो गली तंग थी तो उस जानब से ना कुत्ता भी आ गया तो अगर तलकिन आई गैब से को दिल में ख्याल तो आया होगा ना तो हजरत ने ना अपने कपड़ों को बड़ा समेटा और साइड पर हो गए कुत्ता गुजर जाए कहीं मेरे कपड़ों से लग ही ना जाए ये तो फिर ये तलकीन आई गैब से वो जो कुत्ता है ना वो बोल उठा अर्ज करता है भाई क्यों मुझसे इतनी नफरत कर रहे हो आपने फरमाया तू निजस है मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ मेरे कपड़े ख़राब कर देगा मैं तो इसलिए पीछे हटा हूँ तो कुत्ता आगे से कहता है हजरत अगर मैं गीला हूँ तो फिर निजस् हूँ फिर नापाक हूँ अगर खुश्क हूँ तो फिर तो मैं नापाक ही नहीं अगर आपके कपड़ों से लग भी गया तो कुछ नहीं होगा अगर गीला हूं तो लग गया तो फिर आपके कपड़े नापाक करूँगा लेकिन फिर भी मेरी नापाकी ऐसी नपाकी है कि तीन बार का जो पानी है वो उस नापाकी को दूर कर देगा अगर आप अपने अपने आपके कपड़ों से लग गया ना तीन बार अगर आप अपने कपड़ों को पानी से धोएंगे तो कपड़े पाक हो जाएंगे लेकिन बाजीद कभी तुमने अपनी नापाकी पे गौर किया मेरी नापाकी तो वो है जिसको तीन पानी दूर कर देते हैं लेकिन तेरी नपाकी तो वो है जिसको सात समुद्रों का पानी भी नहीं धो सकता जा जाके पहले अपनी नपाकी दूर कर हाँ हजरत ये अंदर की नपाकी और क्योंकि बात इन सब बाबों की एक होती है अंदाज जुदा होते हैं तो फिर यही बात हजूर बुल्ल शाह रामतुल्ल ने किस तरह लिखी अफरमाते हाँ हैं फुल्ला दा अतर बना फुल्ला दा अतर बना अतर दा फिर तू काट दरिया दरिया वे फिर तू डुब किया ला बात की गहराई तक जाना हला इत्र क्या है थोड़ा सा शीशी पे लेके अपनी हथेली पे लगाया इस तरह करके जिस उनके भी पता चलेगा इस बंद ने इया है अगर थोड़ी इंपोर्टेड शीशी है थोड़ा सा खुद पे स्प्रे कर लो जहां से गुजरोगे वहां से भी पता चलेगा किसने इत्र लगाया इत्र, तो इत्र तो इतना सा भी हो तो वो बो को दूर कर देता है खत्म कर देता है वो लेकिन कितना गहरा मिसरा है फूला धा ਅਤਰ ਬਣਾ ਅਤਰ ਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦਰਿਆ ਥੋੜਾ ਸਾ ਲਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਅਤਰ ਬਣਾ ਅਤਰ ਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦਰਿਆ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੂੰ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਮੁਕਣੀ ਪਹਿਲੂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਹਾਏ ਪਹਿਲੂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਥਾ ਫਕੀਰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾ ਸਾਡਾ ਫਕੀਰ ਲੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ इसने फिर मौका जाया कर दिया मैं हजरत दा तू अतर बना अतर दा फिर तू कड दरिया दरिया तू डुबकियां ला फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी पहलू अपनी मैं मुका और जिसने मुका ली हजरत उसका काम बन गया वो तो है ही करीम हाँ। और कितने करीम हैं मैं आपको बता नहीं सकता हजरत ये हफ़्ते की रात थी जो पिछला हफ्ता गुजर गया ना जिस तरह कल हफ़्ता आएगा ये भुटर में प्रोग्राम था तो प्रोग्राम पे गए वहाँ से मुझे आते आते ना तकरीबन बारह बज गए जब मैं घर आया ना तो छोटा बेटा मेरा सबसे छोटा इब्राहिम बड़ा रो रहा था तो माँ उसको चुप कराने के लिए ना वो टहल रही थी इस कमरे से उस कमरा उस कमरे से उस कमरा तो वो कहती है कि शाह के बाद कि इसकी तबीयत ख़राब है मुसलसल रो रहा है मैंने बड़ा चुप कराया नहीं कर रहा तो इस तरह करें इसको किसी हॉस्पिटल ले चलते हैं मैंने कहा चलो हम अल खिदमत ले गए और डॉक्टर ने चेक किया उसने कहा बच्चे का गला ख़राब है और जब भी बच्चों का गला ख़राब होता है ना साथ फिर इनके कान में भी दर्द होती है इसके कान में दर्द है इसलिए रो रहा है उसने वो दवाई वग़ैरह इंजेक्शन वगैरह लगाए उसके कान में ड्रॉप्स भी डाले लेकिन मैंने कहा नहीं मैं आधा घंटा घंटा वेट करूंगा बच्चे की जब तबीयत संभलेगी ना मैं फिर ही घर लेके जाऊंगा जाऊँगा हम वहाँ बैठ गए खैर बच्चे की तबीयत संभल गई हम लेके ना घर आ गए अब जाहिर है बच्चे की तबीयत ख़राब थी उसकी माँ ने इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी थी मैंने फ़र्द और स्नतें पढ़ ली थी वितर और नवाफिल मैंने भी नहीं पढ़े थे वो बच्चा सो गया हमने उसको चारपाई पे लेटाया आगे मैंने नमाज शुरू कर दी मेरे पीछे मेरे बेटे की माँ ने नमाज़ शुरू कर दी अब मेरी वितरों की ना दूसरी रकत थी ज़ाहिर माँ भी इस या ही होगी वो फ़र्ज पढ़ रही थी मैं वितर पढ़ रहा था या उसकी तीसरी रकत होगी या उसकी भी दूसरी होगी या चौथी होगी अब उसकी ना आँख खुल गई उसने बड़ी शिद्दत से रोना शुरू कर दिया तो हरा मसले की रूह से आप नमाज तोड़ सकते हैं क्योंकि वो चारपाई से बस गिरने वाला था दूध उबल रहा है बीबी नमाज पढ़ रही है नमाज तोड़ के दूध बचाए कोई कुएं में गिर रहा है नमाज तोड़ के उसको बचाओ पहले तोड़ सकते थे लेकिन मैंने कहा नहीं मैं नहीं तोड़नी कोई वाप था ना हजरत मोहब्बत तो थी औलाद की लेकिन दिल थोड़ा सख्त लेकिन उधर क्या था उधर माँ थी हजरत उसने क्या किया उसने नमाज तोड़ के ना बच्चे को जाके चारपाई से उठा के सीने से लगा लिया अब मैंने वितरों की तीसरी रकत पढ़ी तो मैं मसल्ले पे बैठ के ना मैं रो पड़ा हाँ। सलाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह जल्ला शाह बंदे से सत्तर माँओं से बढ़ के प्यार करता है वो यार अगर एक माँ की मोहब्बत ये है तो फिर उसकी मोहब्बत क्या होगी अगर एक माँ की मोहब्बत ये है कि उसने नमाज तोड़ के बच्चे को सीने से लगा लिया तो फिर तस्वुर करो हज़रत जो सत्तर माओ से बढ़ के प्यार करता है उसकी मोहब्बत क्या होगी लेकिन बात फिर वही है हजरत मैं हम तो माहबा करम है लेकिन क्या मैं हम तो माह अलबा करम है लेकिन आगे से क्या मैं जब ये मैं वो बच्चा था ना मैं नहीं थी हजरत उसमें वो तो पूरी शिद्दत से रो रहा था वो मुझे ओ मुझे बैठाओ मुझे उठाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ शिद्दत थी ना हजरत उस शिद्दत ने मां को मजबूर कर दिया कि उसने नमाज तोड़ के बच्चे को उठाया यहां भी जब शिद्दत आती है ना हजरत तो फिर द्रैय रहमत ऐसा जोश में आता है कि बिगड़ी बन जाती है लेकिन फिर क्या है मैं मैं हम तो मायल बाकर कोई सायल ही नहीं